दिल से बुरा लगता है। सब्सक्राइब करो पहले, जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लिए सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा दे। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सरिये का यहाँ पर इसको बनाया गया है। ये किस लिए है गाइज, ये आगे देखो आप, इसी को रख कर एक वर्टिकल ये जगह बन रही है, जो जिसको कंक्रीट करके ऊंचा बनाया जा रहा है। अभी ऊपर जाकर बताऊंगा। सो गाइस, ये जो पार्ट सरिये से इसको बनाया जा रहा है और इसके बाद इसको कंक्रीट कर दिया जाएगा। मैं आगे आपको दिखाता हूँ, बोथ साइड ऐसा बनाया जा रहा है, ये फेंसिंग बनाई जा रही है प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये वाला पार्ट और बीच का ये देख रहे हैं, यहाँ पर पटरी डाली जाएगी, प्लेटफॉर्म फिलहाल यही है। तो साइड की ये फेंसिंग की जा रही है पूरे वहाँ एंड से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हैं, और इसको वहाँ तक किया जाएगा, और ऐसा दोनों साइड होने वाला है गाइस। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ टीम यहाँ पर काम लगी है। तो आगे बिल्कुल ब्रिज के सारे ब्रिज पर ही ऐसा काम होने वाला है। बढ़िया हो, ये सारे ब्रिज पर ऐसा बनेगा सब? बनेगा बिल्कुल, जब आगे वाला एक्सटेंड हो जाएगा पार्ट वहाँ तक भी, ये मतलब सपोर्ट के लिए साइड पर है ना। बढ़िया स्ट्रक्चर, और क्या आइडिया है ये, मतलब कब तक ब्रिज कंप्लीट होने वाला है? दो साल लग जाएंगे ना, क्योंकि ये काफ़ी काम अभी पेंडिंग है। अच्छा, इसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा बाद में? ओके, ये इसको सीधा बनाने के लिए है। ओके, ये सेंटर पॉइंट गाइस, जो ब्रिज के सरिये हैं, ये ब्रिज का सेंटर पॉइंट रखा गया है। यहाँ से ही मेज़र करके दोनों साइड पर रेलिंग की जा रही है, फेंसिंग की जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर ये पड़ा हुआ है, इससे भी कुछ ना कुछ पार्ट बनाया जाएगा यहाँ पर। अब इससे क्या बनाया जाएगा ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा, कहाँ पर इसको लगाया जाएगा। आई थिंक इस साइड पर या किसी भी इसको साइड पर लगाया जाएगा। तो चलिए आगे चल के दिखाता हूँ आपको क्या क्या यहाँ पर आगे है। बाकी युक्कू कंपनी है। तो गाइस, ये स्ट्रक्चर जो यहाँ का मटेरियल है, काफ़ी लोहा हार्ड तो होता ही, और अच्छी क्वालिटी के स्टील से इसको बनाया गया है। 45 PWF 4, ऐसे ही हर एक पार्ट पर मार्किंग की गई है। सो यहाँ पर कंक्रीट मटेरियल तैयार किया जाता है, वहाँ कुछ कॉलोनीज, और फिर यहाँ पर वही मटेरियल पड़ा हुआ है। इसका क्या काम है ये आगे आने वाले व्लॉग्स में आप देखेंगे। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा साइड व्यू आप देख लीजिए, वहाँ से लेकर आप एक बार नीचे नज़र घुमाएँगे, वो नीचे पंजी खाट नाला है, और ऊपर का ये स्ट्रक्चर और पिलर के ऊपर की क्रेन टॉपर दिख रही है, और ये शेड, इसके अंदर पूरा कंक्रीट पूरे प्लेटफॉर्म को बनाने का काम किया जा रहा है। आप सामने देख पा रहे हैं ये नीचे की कंस्ट्रक्शन साइट, यहाँ पर ये बड़े बड़े स्टील के जो भी मटेरियल्स पड़ा था यहाँ पर उनको असेंबल किया जाता है। इंजीनियर्स की टीम यहाँ पर प्रॉपर उन्हें असेंबल करती है। यहाँ पर एक आप कुछ लोग देख रहे होंगे अपने काम में बिजी हैं, कुछ टीम वहाँ है। तो यहाँ पर इन सभी पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। असेंबल करने के बाद ये आप सामने बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको तैयार किया जाता है, और इस स्ट्रक्चर के दोनों एंड पर आप देख रहे हो बड़े बड़े मोटे पाइप से ऊपर की तरफ निकाले हुए हैं। तो उसके बाद क्या किया जाता है, इस स्ट्रक्चर को इस येलो क्रेन की मदद से इसको शिफ्ट किया जाएगा बिल्कुल आगे। जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ पर यहाँ पर ब्रिज के पिलर के पास जो आप जगह देख रहे हैं, वहाँ पर वायर्स के साथ इसको, जहाँ पर बाकी वायर्स आपको दिख रही हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को उसी जगह पर ले जाकर वायर्स की मदद से वहाँ पर इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, और प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक इनको जोड़ा जाएगा, और इसी तरह से ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स वहाँ पर जुड़ेंगे, और फिर उनके ऊपर जाकर पूरा कंक्रीट होकर और पटरी बिछाई जाएगी। इस तरह से ये पूरा ब्रिज कंप्लीट होगा,
समय के साथ साथ इसकी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा और नेक्स्ट ब्लॉग आने वाले ब्लॉग्स में आपको बताऊँगा कि बिल्कुल ये वायर्स पास से जाकर कैसी हैं और यहाँ पर पाइप का साइज़ देखकर आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि वो कितनी बड़ी मोटी वायर्स होंगी जिसकी मदद से इनको वहाँ पर सस्पेंड किया जा रहा है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छी बढ़िया अपडेट बिल्कुल वायर के पास जाकर वीडियो बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्यार दें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।